सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी भी किसी को भला बुरा कहने से पहले यह अवश्य सोच लें कि यदि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा प्रतीत होगा। किसी से भी झूठ बोलने, किसी से भी झूठ बोलें, लेकिन स्वयं से कभी भी झूठ ना बोलें। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप एक दिन सफल जरूर होंगे। आज का पंचांग 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 6:34 तक रहेगी। इसके उपरांत 9वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 11:03 से 11:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:00 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 30 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार, आज अब कुछ उलझे हुए से रहेंगे। आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने के लिए भी उतावले हैं, परंतु आज प्रतीक्षा करना और कोई महत्वपूर्ण काम शुरू ना करना ही ठीक होगा। शाम तक उलझन खुद कम हो जाएगी। दिन बाधा रहित गुजरेगा। यात्रा कर सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन से देर हो सकती है। दूसरे विकल्प खुले रखें। रिश्ते को मधुर बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास रहेगा तथा आपके व्यक्तित्व की सराहना भी होगी। आप जल्दबाजी की बजाय सहज तरीके से सोच समझकर अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। आपके कार्य सुगमता से बनते जाएंगे। एकांत में समय बिताने से अपनी योजना की गलतियां समझ पाएंगे। गलतियां सुधार पाना संभव हो सकता है। नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। नए मित्र मिल सकते हैं जिनकी वजह से जीवन शैली बदलेगी। साथ में जिन बातों में आप सुधार देखना चाहते हैं वह भी नजर आएगा। काम में गंभीरता बनाए रखें, काम की क्वालिटी पर भी ध्यान दें। लव रिलेशनशिप से संबंधित चिंता छोड़कर केवल व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना होगा। नींद से संबंधित समस्या दूर करने के लिए कोशिश करें। सावधानियां, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज्यादा रोक टोक करने से उनका मनोबल कमजोर पड़ेगा। जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से आपके कामों में कुछ गड़बड़ हो सकती है। धैर्य और शांति बनाकर रखें। सुकून पाने के लिए अध्यात्म का सहारा लें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर और ईमानदार रहें। प्यार रिश्ते और परिवार अब आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आज आप अपने बच्चों के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे। आपको ये याद दिलाया जाएगा या एहसास होगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है और जिसकी वजह से आप निर्णात्मक कदम लेंगे। जिसने काफी समय से आपको परेशान किए हुए था, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के कारण तनाव घटाने में भी आपको मदद मिलेगी जो आपके मन मस्तिष्क पर हावी था। बात करते हैं करियर की। आज का दिन विपणन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जा सकता है। ये जरूरी है कि आप विपणन नीतियां बनाते हुए न्याय संगत निर्णय लें ताकि आप बेहतर नीतियां बना सकें। अगर आज आपने कोई कार्यशाला या सार्वजनिक समारोह अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए रखा हुआ है तो वो काफी अच्छा रहेगा। जो भी संपर्क आप बनाएंगे वो आगे आने वाले समय में आपके लिए सफलता की कुंजी बनेंगे। व्यवसाय से संबंधित मन पड़ी हुई गतिविधियां पुनः जागृत होगी जिससे आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर होगी। प्रॉपर्टी की सेल परचेज से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है। कामकाजी महिलाओं को घर पर तथा प्रोफेशनल के बीच तालमेल रखने में कुछ दिक्कत आएगी। बात करते हैं सेहत की। इस समय आपको अपनी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जिनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर है।
फिलहाल आप या तो मोटापे से परेशान हैं या फिर जीवन की कुछ विशेष घटनाओं से, इसलिए आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।